नगरी ओंकारेश्वर में मां नर्मदा का सीना चीरकर खूब हो रहा है अवैध रेत का खनन। जिला खनिज विभाग इससे अनभिज्ञ और स्थानीय जिम्मेदार बन रहे हैं मूक दर्शक। ओंकारेश्वर मोड़ टक्का खेड़ी घाट में शमशान घाट के नीचे नाव से निकाली जा रही है बालू रेत और माफियाओं का कारोबार जोरों शोरों पर चल रहा है। मां नर्मदा का अस्तित्व इन दिनों रेत लुटेरों के हाथ में है। रोक टोक व सख्त कार्रवाई के अभाव में रेत लुटेरे दिन दहाड़े नर्मदा तटों पर बेखौफ होकर उत्खनन कर रहे हैं, जिसके चलते रेत का अवैध उत्खनन परिवहन व विक्रय करने वाले इन लुटेरों ने नर्मदा तट की खूबसूरती को ही बिगाड़ कर रख दिया है। रेत निकालने के नाम पर नर्मदा किनारे की गई अवैध खुदाई से बने बड़े बड़े गड्ढों का नामकरण लोगों के मौत के गड्ढे कर दिया है। मध्य प्रदेश खंडवा से अहमद सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। फोन आ गया बाबा, क्या बाबा? चलो आप वाले का भी आ गया।